वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉकी टॉक विद गौतम में। आज हम बात करने वाले हैं दी आइस रोड के रिव्यू के बारे में। ये मूवी रिलीज हो चुकी है और सबसे बड़ी समस्या इस मूवी के साथ यही है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखी जा सकती है, हिंदी में ये मूवी अवेलेबल नहीं है। पौने दो घंटे के आसपास का समय आपको इस मूवी को देखने के लिए देना पड़ता है, लेकिन क्या ये मूवी उतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए बने रहे हमारे पूरे वीडियो के दौरान। अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। लियाम नीसन ने इस मूवी के अंदर मुख्य किरदार निभाया है। वो बने हैं इस मूवी में ट्रक ड्राइवर, एक ऐसे ट्रक ड्राइवर जो कि ऐसे रोडों पर ट्रक चलाने में माहिर है जो कि बर्फ से बने हुए हैं। आइस रोड इस मूवी का नाम इसी वजह से है क्योंकि इसमें जितने भी आपको रोड्स दिखाए गए हैं वो किसी झील पर या किसी समुद्र पर या ऐसी जगह पर बने हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ से बने हुए हैं। एक खदान में स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया जाता है कि एक खदान में एक विस्फोट हो जाता है, उसके कारण 26 लोग फंस गए हैं खदान में। उन सभी की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। खदान में सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे के आसपास की ऑक्सीजन बची हुई है। उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए उनके पास एक हैवी मशीनरी पहुँचाई जानी बहुत ज़रूरी है। उस मशीनरी को ले जाने का काम दिया जाता है लियाम नीसन को, और क्या वो ये काम सही तरीके से कर पाते हैं या नहीं, यही सब कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलता है। बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एंगेजिंग ये मूवी आपको लगने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इसमें कुछ देखने को मिलेगा या बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको स्टंट या एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये मूवी आपको किसी भी एंगल से बोर नहीं करती। थ्रू आउट आप इस मूवी से जुड़े रहते हैं। बहुत कम ऐसी जगह आती है जहाँ आपको ये मूवी बोर लगती है, हल्की फुल्की आपको ये बोर लग सकती है, अदरवाइज नहीं। लियाम नीसन ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, पूरी ईमानदारी से निभाया है, उनको स्क्रीन पर देखना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़ी ये मूवी है भी नहीं, पर जिन लोगों को हिंदी में मूवी देखना पसंद है या हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी डब में देखना पसंद है, उन लोगों को ये मूवी से निराशा महसूस होगी क्योंकि ये मूवी आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग इंग्लिश में मूवीज़ देख सकते हैं तो ये मूवी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित हो सकती है। ये मूवी आपको थ्रू आउट एंजॉयमेंट देती है, आप इस मूवी से जुड़े रहते हैं। मूवी के अंदर आपको दिखाया जाता है भैया एक फिक्स टाइम पर एक जगह पर आपको सामान पहुंचाना है और रास्ते में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, उनमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। उन 30 लोगों को बचाने के चक्कर में तकरीबन 5-7 लोगों की जान चली भी जाती है। यही सब कुछ इस मूवी के दौरान आपको दिखाया जाता है। ये मूवी मेरे अकॉर्डिंग एक टोटल एंटरटेनिंग है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 5 में से टोटल 3 अंक। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो जाइए एंजॉय करिए इस मूवी को, फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और जिन भी मूवीज का वेब सीरीज का आप लोग रिव्यू जानना चाहते हैं उनके बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।